आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में 11वें नेशनल सेमिनार का हुआ आयोजन। शहर के आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में 11वें नेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार के आयोजन का मुख्य विषय उच्च शिक्षा में गुणवत्ता प्रबंधन एवं पर्यावरण प्रबंधन रहा, जिसमें अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग डॉक्टर सत्येंद्र शर्मा, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कुलपति डॉक्टर आर एन मिश्रा सहित काफी संख्या में प्रोफेसर उपस्थित रहे, जिन्होंने वर्तमान समय में उच्च शिक्षा की चुनौतियों, समस्याओं और उनके निराकरण के विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। साथ ही समय के साथ तेजी से पर्यावरण में बढ़ रहे प्रदूषण के निराकरण के पहलुओं पर भी सेमिनार के दौरान चर्चा की। आप योजनाएं बना रहे हैं, ये ढोंग इसलिए कर रहे हैं कि कानपुर से, वाराणसी से जो बड़े बड़े प्रतिष्ठानों के जो नाले बह रहे हैं, उनका लाइसेंस क्यों नहीं बंद हो रहा? उनको क्यों नहीं कहा जा रहा है कि ये जो तुम्हारा गंदा मल है, ये अगर इसके लिए आप एक सेंटर नहीं बनाएंगे, इसको बंद नहीं करेंगे, और अगर ये सीधे गंगा में बहेगा तो खत्म तो होगी गंगा। ये मेरी समझ में नहीं आया। राष्ट्रीय सेमिनार है जो उच्च शिक्षा की गुणवत्ता प्रबंधन और पर्यावरण प्रबंधन पर हो रहा है। ये एग्जिस्टिंग सेमिनार है, इसमें पर्यावरण और उच्च शिक्षा के विषय विशेषज्ञ अपने अपने वक्तव्य देंगे। इसमें हमारे अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा रीवा संभाग डॉक्टर सत्येंद्र शर्मा जी, विश्वविद्यालय अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आर एम मिश्रा जी, और यहाँ पे अभी ये उद्घाटन सत्र है, उसमें उनका व्याख्यान हुआ।